नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति कैला होम्योपैथी से, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ना तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए वो थोड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, लड़कों के लिए भी उतनी ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। इनफैक्ट हर किसी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेयर लॉस, द रीजंस विच कुड बी आइडेंटिफाइड फॉर इट एंड द सोल्यूशंस टू इट, बिकॉज किसी भी चीज़ का सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद। तो जब हम सुबह सुबह रेडी हो रहे होते हैं या कभी भी इन द डे कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो सबसे जो मोस्ट पेनफुल साइट्स में से एक पेनफुल साइट होती है टू सी अ बंच ऑफ हेयर कमिंग इन द कॉम्ब। हम में से बहुत से लोग एक बार कॉम्ब करने के बाद या जिस दिन घर में रहना हो उस दिन कॉम्ब ही नहीं करते हैं, इस डर के मारे कि बाल ना गिर जाएँ। कभी कभी देयर सो मच ऑफ हेयर लॉस, लूजिंग 50 to 100 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर इन अ डे इज़ नॉर्मल। 50 to 100 बाल गिर रहे हैं तो नॉर्मल है, लेकिन उससे ज़्यादा जब गिरते हैं तो इट्स डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक, और उसके लिए हमें हेल्प लेनी चाहिए। तो बिफोर दी हेल्प दैट वी शुड टेक, वी शुड टॉक अबाउट द कॉजेज, प्रॉबेबल कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। वी हैव लर्न दैट एग्जैक्ट कॉज ऑफ हेयर लॉस हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड, सो देर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच वर्क टुगेदर टू कॉज हेयर लॉस, सो लेट अस फर्दर डिस्कस देम। One thing we found that due to hair loss there's rarely inflammation or scarring. Inflammation can cause hair loss, लेकिन hair loss की वजह से inflammation बहुत कम होती है। सबसे पहले बात करते हैं male pattern hair loss की, तो उसमें क्या होता है, receding hairline होती है और ज़्यादातर top से और front से hair loss होता है, top से और front से, crown से hair loss होता है basically। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है इनहेरिटेड जीन्स को, कि आपके जेनेटिक फैक्टर्स कैसे हैं, और दूसरा कि एक मेल हार्मोन होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, तो उसका प्रोडक्शन में इम्बैलेंस जब होता है तो ये मेल पैटर्न हेयर लॉस इनिशिएट कर देता है। नेक्स्ट है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, ये ज़्यादातर थिनिंग ऑफ हेयर से डिफाइन होता है। हो सकता है इसमें कोई ऐसा ना लगे, कोई विजिबल पैच है, हो सकता है ऐसा ना लगे, लेकिन ज़्यादातर थिनिंग ऑफ हेयर, बाल पतले हो जाते हैं पहले से, तो वो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के अंडर आता है, और इसके ट्रिगर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं अभी तक हम लोग। नेक्स्ट कॉज ऑफ हेयर लॉस हो सकता है इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन जो आपको हुआ हो, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन टीनिया कैपाइटिस में होता है हेयर लॉस, और स्किन की कोई कहीं भी कोई इन्फ्लेमेशन हुई हो, कोई फॉलिकल की हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन हो गई हो, जैसे कि फॉलिक्यूलाइटिस में होती है, तब हेयर लॉस हो सकता है। डाइसेक्टिंग सेल्यूलाइटिस, जिसमें हेयर फॉलिकल्स जो है ब्लॉक हो जाते हैं, जहाँ से हेयर निकलते हैं वो हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें भी हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जैसे कि सेकेंडरी सिफिलिस में भी हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑयली स्कैल्प में एक माइक्रोस्कोपिक माइट रहता है, मतलब कि हो सकता है नेकेड आई से विजिबल ना हो, डेमोडेक्स फॉलिक्यूलोरम, तो वो क्या करता है, वो सीबेशियस ग्लैंड्स जो हमारे स्किन स्कैल्प पे ग्लैंड्स होती हैं, सीबम प्रोडक्शन में काम आती है, तो सीबेशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले सीबम पे फीड करते हैं, उससे क्या, उसके बाद फीड करके वो हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करते हैं और हेयर को मिलने वाली न्यूट्रिएंट सप्लाई को भी ब्लॉक करते हैं, जिससे कि हेयर थिनिंग होती है और हेयर लॉस भी हो जाता है। अब नेक्स्ट फैक्टर है हम जो मेडिसिंस लेते हैं, तो अगर हमने कोई, कभी कभी ऐसा होता है हमने कोई दवाई लेनी है अचानक से शुरू की और हमारा हेयर फॉल या कोई भी और इफ़ेक्ट हमें बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है, दैट इज़ बिकॉज मेडिसिन हमारे जो अंदर के केमिकल रिएक्शंस के साथ अपना इनपुट जो देती है उसके कारण हार्मोनल चेंजेस आते हैं या फिर कोई केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस शुरू हो जाता है। तो कन्वेंशनल मेडिसिन जो हम बीपी के लिए डायबिटीज़ के लिए लेते हैं उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। हार्ट डिजीज़ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए ली जाने वाली दवाइयों से भी हेयर लॉस होता है। कीमोथेरेपी अगर किसी को हुई है या कोई हार्मोनल पिल्स ले रहा है या स्टेरॉइड्स ले रहा है तो उसमें भी हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न फॉर हेयर लॉस कैन बी अ ट्रॉमा टू स्कैल्प। रिमेंबर जब हम छोटे थे तो मम्मियाँ कितनी टाइट चोटी बांध देती थी, स्पेशली गर्ल्स के, तो वो सोचती थी कि टाइट चोटी बांधेंगे तो बाल बढ़ जाएंगे, जबकि उल्टा होता था। एज वी ग्रू, हम जब बड़े होने लगे तो हमारा जो है एक छोटा सा पैच बनने लगा, दैट इज़ बिकॉज इतना ट्रॉमा कॉज हो जाता है यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स को इतने टाइट पोनी से,
कि वहाँ के हेयर फॉलिकल्स डैमेज होने लगते हैं। तो रिमेंबर, जब भी आप अपने बाल बांधें तो कीप इट अ लिटिल लूज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट ना हो कहीं भी हेयर फॉलिकल्स में, जो कि एक हेयर लॉस का कारण बने। नेक्स्ट इज, हम जो इतनी हीट स्टाइलिंग करते हैं या जिसमें भी हेयर फॉलिकल्स पे प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा पुल हो रहे हैं, तो वो ट्रॉमा जो है हेयर फॉलिकल्स को हो सकता है, जिसकी वजह से हेयर ब्रेकेज और हेयर लॉस हो जाए। और अगर आप हेयर मसाज, स्कैल्प मसाज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ से कर रहे हैं, तो वो फ़ायदा करने की वजह नुकसान करेगी, बिकॉज उसमें भी हेयर फॉलिकल्स का चांस बढ़ जाता है और हेयर फॉलिकल्स की डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है और हेयर बीच में से टूटने के भी चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। कीमोथेरेपी के वक्त, चाइल्ड बर्थ के वक्त या किसी भी सर्जरी के वक्त भी स्कैल्प को ट्रॉमा हो सकता है, जिसमें हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो सकते हैं। एक डिसऑर्डर है ट्राइकोटिलोमेनिया, तो उसमें क्या होता है, कंपल्शन हो जाता है इंसान को अपने बाल पुल करने का, बीच में से तोड़ने का। तो वो एक तो बीच में से तोड़ रहा है तो हेयर ब्रेकेज तो हो ही रहा है, और बार बार हाथ जो है बाल पुल कर रहे हैं तो हेयर फॉलिकल्स भी डैमेज हो रहे हैं, जिससे ग्रोथ के चांसेस लिमिट हो रहे हैं और हेयर लॉस बढ़ रहा है। बहुत सारी वीमेन में ऑब्जर्व किया गया है कि हेयर लॉस जो है आफ्टर प्रेगनेंसी अचानक से बढ़ जाता है। दैट इज़ बिकॉज ईस्ट्रोजन लेवल जो है बॉडी के प्रेगनेंसी के बाद, मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद, गिर जाते हैं, बॉडी फॉल हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इज, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कारण हो सकती है आपके हेयर लॉस का, जैसे कि एलोपेशिया एरेटा में स्पॉट बॉल्डनेस हो जाती है, छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं। एलोपेशिया टोटालिस में स्कैल्प के बाल हट जाते हैं, और एलोपेशिया यूनिवर्सालिस में पूरी बॉडी के बाल ही हट जाते हैं। थायरॉइड डिसऑर्डर, जैसे कि हाइपोथायरॉइडिज्म या हाइपर थायरॉइडिज्म की वजह से भी बाल गिर सकते हैं। इसमें जो हम कन्वेंशनल मेडिसिन लेते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म में, दैट इज़ ओवर एक्टिव एंड अंडर एक्टिव थायरॉइड में, वो भी हेयर लॉस को और बढ़ा सकती हैं या इनिशिएट भी कर सकती हैं। एक बहुत जो कॉमन कॉज है हेयर लॉस का, वो है अनहेल्दी स्कैल्प एनवायरनमेंट, डैंड्रफ हो गई, या बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स से एक्सपोज होते हैं हम, वाटर पोल्यूटेंट्स हो गए, एयर पोल्यूटेंट्स हो गए, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, और अगर हम समय पे अपने बालों को वॉश नहीं करेंगे, आलस के मारे दो तीन दिन से ज़्यादा सेम वैसे ही स्कैल्प रखेंगे बिना वॉश किए, तो वो एक अनहेल्दी एनवायरमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस बढ़ जाता है। कन्वेंशनल स्टाइलिंग जो आजकल चलती है, उसकी वजह से भी एक अनहेल्दी स्कैल्प एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, या किसी भी वजह से सीबम प्रोडक्शन अचानक से बढ़ गया सेबेशियस ग्लैंड से स्कैल्प पर, तो उसकी वजह से भी स्कैल्प एनवायरनमेंट अनहेल्दी हो जाता है। और वहाँ पे वॉश करने की फ्रीक्वेंसी पे काफ़ी डिपेंड करता है कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्कैल्प एनवायरनमेंट को। हेयर लॉस की बात कर रहे हैं तो हम एज को तो नकार नहीं सकते, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स रेस्टिंग फेज की तरफ जाने लगते हैं रादर देन ग्रोथ फेज। तो जब वो रेस्टिंग फेज की तरफ जाएंगे तो बाल तो बढ़ेंगे ही नहीं, तो हेयर लॉस की तरफ जो है स्कैल्प ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट इज जीन्स, डेफिनेटली कैन नॉट बी फॉरगॉटन। हमारी जो जीन्स होती है वो हमारे हर एक कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं, और हर एक डिजीज़ की टेंडेंसी या हर एक कंडीशन की टेंडेंसी को डिफाइन करती हैं। एक है ऑटोसोमल रिसेसिव हाइपोट्राइकोसिस, तो उसमें भी हेयर लॉस के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमने हेयर लॉस की प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली है, उसके प्रॉबेबल रीजंस या कॉसेस भी डिस्कस कर लिए हैं। अब है सॉल्यूशंस की तरफ आना, बिकॉज किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन जाने बिना तो प्रॉब्लम जानने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो फर्स्ट इज़ वॉश योर स्कैल्प रेगुलरली। आप रेगुलरली एवरी 2 to 3 days विद अ माइल्ड शैम्पू दैट सूट्स योर स्कैल्प एनवायरनमेंट, उससे वॉश करेंगे तो जो डैंड्रफ होती है या टॉक्सिन्स होते हैं वो टाइम पे रिमूव हो जाएंगे, या ऑयली स्कैल्प भी है तो वो एक्स्ट्रा सीबम टाइम पे रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से हेयर लॉस की संभावना घट जाएगी। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हार्श शैम्पू हमें अपने स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है, और कभी भी हेयर का ओवर वॉशिंग नहीं करना है, रोज़ बाल जो है बहुत हार्श शैम्पू से नहीं धोने हैं। नेक्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। तो इट्स हाई टाइम वी शुड स्टॉप बीइंग चूजी अबाउट कि हमें ये खाना है हमें ये नहीं खाना, बिकॉज एवरी
eatable is important for us, as each food provides specific nutrients. Unless and until you're allergic to something or intolerant to something, you should eat everything. You shouldn't be choosy about your diet. We have an example, like vitamin A helps in healthy production of sebum. And if we talk about vitamin E, it improves blood circulation to hair follicles, which keeps them productive. When we talk about vitamin B complex, so B complex helps in maintaining the color of the hair. Proteins from soya bean or soya products and other food items limit hair loss. When we talk about scalp hygiene or some habits that can deteriorate our scalp health and initiate hair loss, it is combing wet hair. So never comb wet hair, because usme jab hamare hair wet hote hain to bahut hi brittle hote hain ya ek aisi stage mein hote hain jinko easily harm kiya ja sakta hai. To jab aap wet hair comb karte hain to bahut sare baal bhi girte hain. Let them dry and then comb them. In this weakest stage of hair, when they are wet, avoid using a hair dryer too close to your scalp and hair. और जब आप avoid कर सकते हैं hair dryer completely, तो उसे avoid कीजिए. जैसे कहीं नहीं जाना है तो let them dry naturally, तब hair dryer की ज़रूरत नहीं है. और अगर आप hair dryer use भी करें तो थोड़े distance से use करें, and let the temperature be very normal. It shouldn't be too hot. नेक्स्ट इज डोंट अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर. जब प्यास लगे तब भी पिए, नहीं प्यास लगती है तो आदत डाल लीजिए हर 15 मिनट पे या आधे घंटे पे एक एक सिप लेने का. वाटर बॉटल हमेशा कैरी कीजिए जहाँ भी आप जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो है बाकी बॉडी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है. हमारे हेयर शाफ्ट का 1/4 पोर्शन भी वाटर से बना होता है, तो हम पानी नहीं पियेंगे तो वो जो है ड्राई हो जाएंगे और हेयर लॉस और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बाकी बॉडी की डिहाइड्रेशन होगी वो अलग. नेक्स्ट इज़ यू शुड मसाज योर स्कैल्प विद लाइट हैंड्स. बहुत ज़्यादा रफ मसाज नहीं करनी है, लेकिन लाइट हैंड्स है विद अ गुड ऑयल एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. जिससे क्या होगा, आपकी जो है ब्लड सर्कुलेशन हेयर फॉलिकल्स में इम्प्रूव होगा, जिससे न्यूट्रिएंट सप्लाई भी वहाँ पे इम्प्रूव होगी, और एक्सटर्नल न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं आप अच्छे ऑयल के थ्रू. तो जब आप मसाज करेंगे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, तो हेयर ग्रोथ अपने आप इनिशिएट होगी. ऑयल मसाज करने के बाद ये ध्यान रखें कि वो ज़्यादातर आप तब करें जब आप घर में रहने वाले हो, जैसे ओवरनाइट छोड़ सकते हैं. ऑयल मसाज करने के बाद बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर जाएंगे तो आपके जो ऑयली स्कैल्प है वो डर्ट अट्रैक्ट करेगा, तो वो फ़ायदा करने की वजह नुकसान ज़्यादा कर जाएगा, अनहेल्दी स्कैल्प एनवायरमेंट क्रिएट करेगा. हेयर स्टाइलिंग एंड हीटिंग शुड बी लिमिटेड, स्पेशली इन टीनेज. हम सबको देख के वी स्टाइल अ हेयर लाइक एनी थिंग, रोज़ रोज़ प्रेसिंग या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो दैट शुड बी लिमिटेड, बिकॉज वो आपके हेयर को लॉन्ग टर्म डैमेज ही कॉज कर रहा है. ज़रा से आधे एक घंटे के लिए शाइन के लिए, आधे एक घंटे के ब्यूटिफाई के लिए आप उसको काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग डैमेज दे रहे हैं. तो जितना कम से कम हो सके हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर प्रेसिंग एंड हीट ट्रीटमेंट टू हेयर, उतना कम से कम दीजिए. नेक्स्ट इज नेवर शाई अवे फ्रॉम प्रोफेशनल हेल्प इवन फॉर हेयर लॉस. हेयर लॉस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से काम करता है. आपकी जो रेमेडी है आपके इंडिविजुअल केस पर सिलेक्ट की जाती है कि आपका पहले किस कॉज की वजह से ये हेयर लॉस इनिशिएट हुआ है, किस प्रोबेबल कॉज की वजह से, और उसके साथ साथ आपको क्या सिम्टम्स है. कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, या कोई फिजिकल हेल्थ है, या कोई ऐसी दवाई है जो आपने पहले ली थी जिसके साइड इफेक्ट के कारण हेयर लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको होम्योपैथिक दवाई दी जाएगी. स्ट्रेस या पास्ट प्रेगनेंसी या कोई हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कोई डिजीज़ है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसको लिमिट किया जा सकता है दवाई से, मतलब जिसके सिम्टम्स दवाई से लिमिट किए जा सकते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आपकी होम्योपैथिक रेमेडी प्रिस्क्राइब की जाती है. आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या रही है, कि फैमिली में भी किसी को कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ या कोई हेयर लॉस की शिकायत रही है, या फिर कोई मेडिकल हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री ऑफ कीमोथेरेपी है, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो भी ध्यान में रखते हुए आपको दवाई दी जाएगी. हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी दवाई अपने आप नहीं लेनी है, हमेशा डॉक्टर के पास जाके केस टेकिंग करवा के, उनसे प्रिस्क्राइब करवा के आपको दवाई लेनी है.
एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हेयर लॉस कम्प्लीटली रिवर्स हो जाए. अगर हेयर फॉलिकल्स कम्प्लीटली डैमेज हो चुके हैं तो दवाई से हेयर ग्रोथ वापस करना थोड़ा सा मुश्किल ही है. लेकिन अगर आप सही टाइम पे अपने हेयर लॉस पे ध्यान दे लेंगे, इनिशियल स्टेज या मिडिल स्टेज पे ही ध्यान दे लेंगे, तो वहाँ पे रिवर्सल फिर भी पॉसिबल है. हेयर ग्रोथ वहाँ पे इनिशिएट की जा सकती है. लेकिन कम्प्लीटली डैमेज्ड फॉलिकल्स के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करें कि हेयर ग्रोथ दोबारा हो जा सकती है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है. और सबका जो हेयर ग्रोथ दोबारा होने का टाइम है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल बॉडी एंड ससेप्टेबिलिटी. तो ग्रेजुअल होलिस्टिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप हेयर लॉस जो है कम कर सकते हैं और हेयर ग्रोथ दोबारा अचीव कर सकते हैं. मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आपको नीचे दिए गए ईमेल पे ईमेल करना है एंड देन वील कॉन्टैक्ट. Thank you so much for watching this video and please share it with someone who needs it, and please do comment and subscribe to the channel. Thank you. Stay safe, stay strong and keep working hard.